से फिल्मोर में उसी का स्वागत करता हूँ आपके अपने शर्मा जी इंटीरियर में। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि दराज कैसे बनाते हैं, जो चैनल हाइड्रोलिक चैनल होती है उसकी दराज कैसे बनाते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि मेरे 7 लाख व्यूज़ पूरे हुए हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार कि मेरे टोटल चैनल पे 7 लाख व्यूज़ पूरे हो गए और जल्दी 7,000 सब्सक्राइबर भी पूरे होने वाले हैं। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं। ऐसा ही आप लोग प्यार बनाए रखिएगा मेरे चैनल पर। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दराज बनाने के लिए पहले तो हमको जो दराज चार तरफ से बनती है, तो पहले तो साइड के दो, पीछे के और जो सबसे फ्रंट में लगता है वो चार, तो ये तीन जो है साइड के हो गए और पीछे का ये जो है सबसे आगे का हो गया। और एक हमको प्लाई चाहिए होती है जो कि सबसे नीचे तल्ली में लगती है, और ये सारी की सारी गुनिया में होनी चाहिए। जैसे कि ये प्लाई मैंने गुनिया में बना ली है, और साथ ही साथ जिस जगह पे आप बॉक्स बना रहे हैं या फिर जिसकी भी दराज बना रहे हैं उससे हम लोग एकदम बराबर ले लेते हैं। साइड में दोनों तरफ साइड से भी चपकनी चाहिए और आगे से भी एकदम बराबर होनी चाहिए। अगर आप ये करके चलेंगे तभी आपकी दराज एकदम बराबर आएगी। और जो साइड के पैनल होते हैं, मतलब जो साइड साइड के पट्टे रहते हैं बॉक्स के, वो भी आपस में एकदम बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जब्बर भी नीचे वाली, दरअसल बॉक्स बनाने के दो तरीके होते हैं पर ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। एक जो होता है वो पहले तो हम ढांचा ठोक लेते हैं उसके बाद पीछे प्लाई लगा देते हैं, वो तरीका होता है। पर इस तरीके में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो प्लाई को अपना जो भी अपने पास प्लाई है, जैसे कि मेरे पास 6 mm प्लाई है, वो लेते हैं। फिर उसको परफेक्ट नाप से 1 इंची, इसे मेन होता है कि जो प्लाई की बदगुनिया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप प्लाई की बदगुनिया नहीं निकालेंगे तो दराज बदगुनिया रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक कोना चपकता और दूसरा कोना फेंकता है बाहर की तरफ, तो काफ़ी लोग उस पर रंदा लगा देते हैं, ऐसा होता है। तो अब हम लोग आप प्लाई इस तरीके से 6 mm वाली प्लाई से जब अगर आप स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, अगर आपका बॉक्स जो भी है वो अगर बदगुनिया भी है तो प्लाई भी उसी हिसाब से बदगुनिया है। तो जब बदगुनिया दराज रहेगी और बदगुनिया प्लाई रहेगी तो वो आपस में एकदम मिक्स हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर ये जो मेरे साइड के दोनों पैनल हैं ये दोनों के दोनों गुनिया में हैं, और जो दूसरी तरफ का है वो भी पैनल एकदम गुनिया में, क्योंकि गुनिया में अगर नहीं रहता है तो मैंने पहले ही बताया कि दराज अंदर बाहर रहता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये जो साइड के हैं दो पैनल हो चुके हैं, अब हम लोग साइड के दोनों पैनलों को अच्छी तरीके से जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा लेंगे, वैसे तो माइके के ऊपर फेविकोल चिपकता नहीं, फिर भी थोड़ा सा हम लोग फेविकोल लगा लेंगे। और अगर आपको वीडियो अभी तक की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, और जिसको दराज बनाना नहीं आता उस तक ये वीडियो शेयर भी करिएगा। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है हम लोग अच्छी तरीके से लगा लेंगे। और याद रखिए कि इसको हम लोग जो दराज है वो इसी तरीके से ठोकनी है, क्योंकि ये जो तरीका है थोड़ा सा अलग है। और एक तरीका मैंने आप सभी को पहले ही बताया है, उस तरीके में क्या होता है कि पहले तो जैसे कि जो ये मैं साइड की प्लाई, साइड का जो सबसे लास्ट में ये जो नीचे प्लाई दिख रही है आपको 6 mm वाली, वो सबसे लास्ट में ठोकी जाती है। एक तरीका वो होता है, उसमें सबसे लास्ट में आपको 6 mm की प्लाई ठोकनी पड़ती है, पर मैं पहले ही 6 mm की प्लाई को ही ठोक रहा हूँ, या फिर कह सकते सबसे जो पहला नंबर का काम है मैं 6 mm प्लाई से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब हम लोग इसको ठोकेंगे। तो ये दोनों साइड के पैनल हैं जिसमें कि आपका चैनल लगेगा, तो अब हम लोग इसको कीले से ठोक देंगे। आगे से जो अपनी पतली वाली आप, मतलब जो भी फ्रंट में जो भी आप बोर्ड लगाएंगे या जो भी लगाएंगे उससे 1.5 इंची आपको छोड़ के ठोकना होगा। जैसे कि मेरे पास ये प्लाई है, क्योंकि मैं प्लाई लगा रहा हूँ तो मैं प्लाई से थोड़ा सा आगे से छोड़ दूँगा 1.5 इंची, या फिर आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोई प्लाई मोटी पतली रहती है तो बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है, तो ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो इसलिए आप ये काम कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये जो 1.5 इंची या फिर जो भी आपके पास बोर्ड है जो कि आप आगे से ठोकेंगे उसके लिए ये छोड़ा जा रहा है, तो मैंने आगे से ये छोड़ दिया है। अब हम लोग के पास जो भी कीला है 6 mm, जो भी आपके पास 1.5 इंची कीला है 17 नंबर, उसको हम लोग ठोकेंगे। अब
कीला पूरा का पूरा हम लोग मार लेंगे, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे कीला मारने में। तो यहाँ पे ये कीला और कीला कीला पूरा ही पूरा मारेंगे, कोई भी इसमें ऐसा चांस नहीं रहता है, बदगुनी है उसका कोई भी चांस नहीं रहता है, क्योंकि जैसे ही मैंने बताया कि बदगुनियाँ जैसे ही रहती वैसे ही टूट जाती है ये दराज भी। तो यहाँ पे अभी ये फ्लाई हो एक तरफ का कीला मर चुका है, अब हम लोग दूसरी तरफ का भी जो भी अपना पट्टा है उसको भी अच्छे से, दरअसल इसमें माइका लगा था उस वक्त परंदा नहीं लगा था तो वो भी लगाना पड़ रहा है, तो अब हम लोग इसको भी फेविकोल लगा लेंगे। और साइड का ये भी पैनल जो है उसको हम लोग कीले से अच्छी तरीके से ठोक लेंगे। और यहाँ पे ये जो भी प्लाई सेक्शन में ये जोड़ के लगाई जा रही है, ये मालिक के पास पैसा नहीं था तो ये करना पड़ा उसके लिए, क्या कर सकते हैं, पर जो भी है वो काम करना ही पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इधर भी यही करेंगे कि 6 mm की 19 mm की जो भी आपकी बोर्ड या प्लाई होगी उस उतना भर का आगे से छोड़ देंगे, और इसमें भी हम कीला मार देंगे। और आगे से इसलिए छोड़ा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आगे से ही क्यों नहीं ठोकना शुरू करते हैं? अब आगे से ठोक सकते हैं अगर आपका, मैंने स्टार्टिंग यहाँ से किया, आप चाहे तो इसको फ्रंट आगे से ठोक सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जितना बढ़िया आपको साइड साइड से ठोकने में अच्छा रहेगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे से ठोकने पे थोड़ा बहुत, अभी हम इसको गुनिया भी देखेंगे क्योंकि गुनिया में भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए इसमें दराज बनाने का सारा जो रहता है कार्यक्रम या कह सकते जो भी रहता है सारा का सारा गुनिया के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये साइड साइड के दोनों पट्टे ठोक गए हैं, अब हम लोग इसके बीच का मतलब पीछे का जो पट्टा रहता है उसको ठोकेंगे। तो हम लोग पहले तो नाप नीचे से लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर का जो पट्टा हो वो बदगुनिया हो तो ऊपर ज़्यादा नाप आ रहा हो, तो हम लोग नीचे से इसको जो भी नीचे का नाप आ रहा होगा। तो ये मैंने कटिंग कर ली है, अब मैं इसको यहाँ से ठोक दूँगा। और याद रखिए कि इसको भी थोड़ा सा गुनिया में देखना होता है जब आप साइड से कीला मारेंगे, अभी तो फ़िलहाल हमको गुनिया में नहीं देखना होता है, अभी तो हम लोग नॉर्मल जैसे लगाते वैसे ही लगा देंगे। यहाँ पे भी फेविकोल हम लोग को अच्छे से लगा लेना है, और जैसे कि नॉर्मल लगाते हैं वैसे ही हम लोग इसको भी लगा लेंगे, कोई भी खास वो नहीं रहेगा। और एक बात मैं बता दूँ कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, क्योंकि मुझे सारे के सारे स्टेप आप सभी को बताने थे कि कैसे बनता है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पार्ट को कट कर दूं तो बाद में आप लोग कहें ऐसा तो नहीं बताया था या फिर कुछ भी ऐसा, इसलिए मैंने सारे के सारे पार्ट को रखा है, कुछ भी कट नहीं किया है। वीडियो लंबी है वो मैं जानता हूँ, पर मैंने इसीलिए नहीं कट किया कि आपको हर एक जानकारी मिले। तो अब हम लोग पीछे वाले को भी अच्छे से ठोक लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ये चीज़ इसको हम लोग ठोक लेंगे। तो यहाँ पे पीछे वाले को अभी देखिए कोई भी गुनिया का काम नहीं हुआ है, पर जब हम लोग साइड से कीला मारेंगे, जो अभी मैं ठोक रहा हूँ प्लाई को, इसमें जब साइड से कीला मारेंगे तो हमको एक बार गुनिया देखना पड़ता है, क्योंकि अगर वैसे तो इसमें कोई भी खास गुनिया नहीं, क्योंकि ये पीछे की प्लाई है, मतलब तो जो दराज के सबसे पीछे जाएगी वो ये जो मैं ठोक रहा हूँ ये सबसे पीछे का कह सकते हैं प्लाई है या वो है। तो हम साइड से, तो साइड से जब हम मैंने कीला लगाया तो मैंने यहाँ पे गुनिया नहीं देखी, तो आप लोग एक बार गुनिया को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी हाँ ये चीज़ ये गुनिया एक बार अंदर से देखनी चाहिए। वैसे तो कोई मतलब नहीं है अंदर से लगाने का, क्योंकि ये पीछे चली जानी है, जब आप हम लोग आगे का ठोकेंगे तो एक बार हम लोग को गुनिया लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग चैनल बांधेंगे तो कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर ये हम लोग ने अपनी कीला मार ली है, और ये जो थोड़ा सा पार्ट आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है बोर्ड का साइड वाले, इसको हम लोग कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा था ताकि कीला वीला मारते वक्त फटे ना या कुछ ऐसा ना हो, वैसे तो बहुत कम चांस रहता है फटने का, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बड़ा कर दिया था ताकि कुछ भी फटे ना। तो यहाँ पर भी हम लोग गुनिया से अपना निशान लगा के यहाँ पर इसको हम लोग कीला मार देंगे। तो कीला थोड़ा सा ये लंबी वीडियो हो रही है उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, पर आपको पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी, कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी पार्ट कट किया गया हो। और अगर आपको वीडियो अभी तक की अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब ये इस जगह पे ये जो गुनिया होती है ये देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम लोग चैनल बांधेंगे तो इसी चीज़ का कह सकते हैं दिक्कत आता है, या फिर ये चीज़ बाद में दिक्कत करता है, तो इसलिए आपको पहले से ही गुनिया देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा हो गया है,
एक दो किला और लगा देंगे। कुछ मिस्त्री साहब को कुछ ज़्यादा ही मजबूती की फिक्र पड़ गई थी, एक तो जोड़ जोड़ के प्लाई बनाई है उसकी भी मजबूती देख रहे थे, तो यहाँ पे ये तैयार हो गया। अब हम लोग को आगे का पैनल जो रहता है, जो फ्रंट का पैनल रहता है उसको लगाना है। तो ये कुछ आगे का पैनल है जो कि हमारा बॉक्स है, मेरा जो दराज का बॉक्स है वो तैयार हो गया है। बस हम लोग को आगे की प्लाई लगा देनी। अब आगे की प्लाई पहले से ही मैंने काट के रखी है और मैंने अभी तक इसका साइज़ नहीं बताया कि दराज का साइज़ क्या है। तो दराज का साइज़ शायद मुझे इतना याद नहीं है, फिर भी शायद 19 या कुछ ऐसे ही था, 19x8 का था, 19x8 थी। और जो इसकी हाइट है वो 8 थी और इसका जो चैनल आया था, इसकी जो गहरान है वो 19 इंची है और जो बॉक्स की गहरान है मतलब जिसमें ये जाएगा उसकी गहरान 20 इंची और इसमें 18 इंची का चैनल लगा है। क्योंकि ये सब आप सभी को पता होना जरूरी है, कितने इंची का चैनल लगता है ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब पर भी बॉक्स बनाए तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और जब पर भी आप चैनल मंगाएँ तो याद रखें कि चैनल बॉक्स से एक इंची या दो इंची कम रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो भी चैनल रहता है वो फिर बाद में लड़ता है या कुछ ऐसा होता है, तो ऐसा कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो जो भी आप बॉक्स बना रहे हों, जैसे अगर आपको 20 इंची का बॉक्स बनाओ तो आप 18 इंची का चैनल मंगाइए, वो सबसे बेटर रहेगा। अब हम लोग को देखिए, इसी जगह पे मैं बात करता हूँ, ये चीज़ इस जगह पे आपको गुनिया देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप जब पर भी आप चैनल बांधेंगे तो कोई डिफेक्ट ना आए। वैसे तो कोई डिफेक्ट आना नहीं चाहिए, अगर प्लाई सीधी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर अगर प्लाई टेढ़ी मेढ़ी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि यही सब चीज़ बाद में आप कहेंगे कि ये सब चीज़ मैंने देखी नहीं या बताई नहीं, और बाद में आप अच्छे कमेंट नहीं करेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों का आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, जिससे कि आपको जब पर भी आप दराज बनाएं तो एक बार ये तो कहें कि हाँ मैंने जो भी वीडियोस देखी या फिर जो भी मैंने चीज़ देखी वो सही थी। ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग कहें ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं दिखा रहा हूँ जैसे दराज बनाई थी, सेम टू सेम वैसे ही दिखा रहा हूँ, कुछ भी अलग तरीका नहीं है, सब कुछ सेम टू सेम है। बस यहाँ पे हमने यहाँ से आगे से कीला मार लिया है और ये पूरा का पूरा तैयार हो गया है मेरा दराज। लगभग कोई भी कमी नहीं है, पूरी की पूरी दराज तैयार हो गई, कोई भी कमी नहीं। तो ये पूरी की पूरी दराज एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो चुकी है। अब हम लोग इस पर साइड साइड में दोनों तरफ चैनल बांधेंगे, तो साइड साइड में जो भी चैनल है वो हम लोग इस पे बांधेंगे। तो यहाँ का जो मैंने कहा था कि ये हिस्सा बड़ा है तो इसको कटिंग करनी पड़ेगी, तो इस हिस्से को हम लोग काट देते हैं। ये हिस्सा मैंने ऐसे ही बड़ा रख लिया था, इसको बड़ा रखने का कोई ख़ास वो नहीं था, कोई ख़ास मकसद नहीं था, बस ऐसे ही बड़ा था। अब हम लोग ये दोनों हिस्से को काट देंगे और इसी के साथ हम लोग इसकी साइड के जो भी चैनल रहता है उसको भी लगा लेंगे। और साइड के चैनल हम लोग को लगाने का भी मैं तरीका एकदम शॉर्टकट तरीका आप सभी को बता देता हूँ। चैनल लगाने का ये तरीका सबसे बेस्ट मुझे लगता है, इससे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है चैनल लगाने का। इस तरीके से आप बहुत ही अच्छी तरीके से चैनल लगा पाएंगे। तो चैनल लगाने का सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया तरीका मुझे ये लगता है कि चैनल को आप नीचे से एकदम सटा के बांध दीजिए, मतलब दराज से एकदम सटा के बांध दीजिए, और उसके बाद जब पर भी आप चैनल को अपने जिस जगह पे आप चैनल लगाएंगे उस जगह पे जब ले जाइए तो 6mm की एक प्लाई रख लीजिए और उस पे आपको इसका चैनल बांध देना। उससे इसकी जो कह सकते हैं एक जो हाइट मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, जिससे कि आप मतलब कह सकते हैं एकदम मस्त हाइट मिलती है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे ये देखिए 6mm की प्लाई मैंने नीचे लगा ली है। अब मैं इसमें पेच कर दूँगा, बस आपको इतना ही करना है। ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं काफ़ी इजी रहता है, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप बीच में बांधते हैं तो नापना पड़ता है, काफ़ी सारा बवाला करना पड़ता है, वो सब बवाला कुछ भी नहीं करना पड़ता है और दो मतलब कह सकते हैं मिनटों में बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इस तरह अगर आप दराज के चैनल को बांधते तो काफ़ी आसानी रहती है। तो ये अब हमारा जो पेज है वो कस गया है, तो हम लोग चैनल को निकाल, हमने 6mm की प्लाई को निकाल लिया है। अब 6mm की प्लाई को इधर लगा दिया है, तो ये 6mm की प्लाई हमारी
इधर भी लग गई और सेम टू सेम वैसे ही जाम होगा। कोई भी नापने उपने का झंझट नहीं है, बस आपको 6 mm की प्लाई नीचे रख के जो भी आपका चैनल का दूसरा पार्ट है उसको लगा देना है। जो फर्स्ट पार्ट है चैनल का वो मैम लोग ने बॉक्स के अंदर लगा दिया है। अब अगर आपको ये जो हाइड्रोलिक चैनल होता है इसके बारे में पूरी वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे क्या होता है हाइड्रोलिक चैनल में। क्योंकि हाइड्रोलिक चैनल भी मतलब अगर आप काम सीख रहे हैं तो आपको इतना नहीं पता होगा, पर अगर आप अच्छे खासे मिस्त्री हैं तो आपको हाइड्रोलिक चैनल के बारे में पूरी जानकारी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाइड्रोलिक चैनल क्या होता है, कैसे होता है, पूरी जानकारी आपके पास होगी। क्योंकि हाइड्रोलिक चैनल जो भी काम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अब के लिए, क्योंकि अब जो है हाइड्रोलिक चैनल का बहुत महत्व है। तो अभी हम लोग दो ही दो पेच लगा के चेक कर रहे हैं कि कैसा दराज आता है। तो मैं पहले ही बता दूं कि दराज थोड़ा सा हल्का सा ढीला रहता है क्योंकि दोनों तरफ अभी माइका नहीं लगी है। जैसा कि अब जब मैं चैनल कस रहा था तब आपने देखा नहीं होगा, दोनों तरफ चैनल नहीं लगा था तो उसकी वजह से थोड़ा सा ढीला आ रहा था। तो ये यहाँ पे अब हम लोग दराज इसमें डाल देंगे, जैसे कि नॉर्मली डालते हैं वैसे ही इसमें हम लोग दराज डाल देंगे। तो यहाँ पे पहले कुछ थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मली जैसे कि हम लोग डालते हैं वैसे ही सिंपली तरीके से दराज को थोड़ा सा डाल देंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा दराज हल्का सा ढीला पड़ रहा है क्योंकि साइड साइड में हम लोग ने माइका नहीं लगाई है, तो थोड़ा सा ये ढीला पड़ रहा है। तो हम लोग को अभी फ़िलहाल एक पैकिंग रखनी पड़ेगी छोटी सी, तो पैकिंग रख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको लगा देंगे। देखिए जो गलती हुई है वो बताना वीडियो में ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में कहें कि वीडियो बनाने के लिए एकदम अच्छे से दिखा दिया और फिर बाद में आप कहें कि इसमें थोड़ी सी धीरे। देखिए अगर दराज छोटी मतलब हल्की सी छोटी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर दराज बड़ी पड़ गई तो फिर तो सत्यानाश है, क्योंकि वो दराज फिर सत्य मतलब समझ लीजिए एकदम बेकार है, वो दराज का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर वो दराज बड़ी पड़ गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, छोटी पड़ गई तो आप पैकिंग रख दीजिए, मतलब सर माइका की पैकिंग रख दीजिए तो भी एडजस्टमेंट हो जाती। पर अगर आप मान लीजिए कि अगर दराज बड़ी पड़ गई तो आपको आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि उसको छोटा किया जाए। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि जब पर भी आप नीचे की प्लाई काटें तो 1 इंची 1 सूत ज़रूर छोड़े, उससे यही रहता है कि एकदम जो भी आप चैनल लगाएंगे वो बहुत ही स्मूथ और अच्छी तरीके से चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा छोटा मतलब आ रहा था, तो वही थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ रही थी क्योंकि यहाँ पे 2 नाप थे और मैंने 2 अलग अलग नाप थे और दोनों ही नाप का एक ही से बना दिया था। बाकी अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, आप मैंने पैकिंग रख के अच्छी तरीके से बिल्कुल चला दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। देखिए एकदम अच्छी तरीके से दराज बन गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जैसे कि अभी मैं साइड से भी दिखाता हूँ आपको कि कैसा दराज आई है, मतलब यहाँ पे देखिए 2 दराज मेरी एकदम फिट से बन गई हैं। अब मैं ये देखिए खोल के दिखाता हूँ, अच्छे से एकदम पैकिंग भी हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है दराज में, दराज भी एकदम बराबर से है। कई लोग छीलना पड़ता है बराबर नहीं आती, वो कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो यहाँ पे देखिए ये एकदम तैयार हो गई है हमारी दराज, माइका वाइका लग के कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, एकदम बराबर भी है, हर तरफ से चपक के है, ऊपर से भी साइड से भी हर तरफ से मतलब अच्छी से अच्छी दराज बन गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो चला वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।